ब्रिटेन्स के कलाकार अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया शनिवार फिल्म प्रमोशन के लिए नागपुर आए थे। इस दौरान अभिनेता अर्जुन कपूर ने कहा कि कोरोना काल के 2 वर्ष बड़ी ही मुश्किल भरे थे। उनका कहना है कि लुक आवश्यक है, लेकिन अभिनय की भी उसमें ज्यादा जरूरत होती है। किरदार के हिसाब से लुक बदलने की जरूरत होती है। इस मौके पर बीसीएन न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। डालते हैं एक नजर। हेलो वेलकम एंड ऑल, मैं हूं आप सभी का वेलकम करता हूं बॉलीवुड गपशप में। और आज मेरे साथ एक विलन की टीम यहां पर मौजूद है, अर्जुन कपूर और तारा। मतलब यार विलन की बात किया जाए, जब भी विलन की बात होती है तो आपने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया है फिलहाल जो तुम्हें कॉम्पिटिशन देना चाहता था ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। ये बताइए कि एक विलन आपके हिसाब से विलन कौन है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में यार देखिए फिल्म जब टाइटल होती है विलेन तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि बोलना पड़े कि विलेन। मुझे ये लगता है निजी जिंदगी में या आम जिंदगी में हर इंसान के अंदर एक विलेन छुपा होता है जो कभी ना कभी बाहर निकल के आता है। एक ग्रे शेड होता है, एक ग्रे साइड होती है। तो लोग अच्छे होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ बुराइयाँ होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है। तो रियल लाइफ में आई थिंक कोई विलेन पूरी तरह नहीं होता, लेकिन कुछ ट्रेट्स या कुछ चीज़ें होती है जो उनको विलेन बनाती हैं टेम्परेरली, मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी आवाज को बहुत मोहब्बत मिल रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है, कितना एक्साइटमेंट है और गाना तो सुपर डुपर है जी। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि इतना सारा प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे। जब हम आज यहाँ नागपुर आए हैं तो हम साथ में आए थे गाड़ी में, एंड इन फैक्ट देयर वर सम किड्स ऑन द राइड जो बहुत प्यार से वेव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि फाइनली 2 साल बाद ये गाना रिलीज हुआ है एंड एवरीबडी इज़ लविंग इट सो मच। एंड थैंक यू गाइज हुएवर वाज वाचिंग, ढेर सारा प्यार देना फिल्म को भी ऑन द 29th of July। एक विलन जो पहले मूवी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा हाइक रेट कर चुकी है और बहुत धमाल मचा चुकी है। एक विलन रिटर्न, एक्सपेक्टेशंस टू हाई बहुत ज़्यादा और अर्जुन कपूर है वहाँ से हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें पता है कि वो फाड़ने वाली है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कितना बदलना पड़ा है एक विलन रिटर्न को। देखिए नया जमाना है, वो 8 साल पहले आई थी फिल्म, तभी दुनिया और थी, रोमांस अलग तरीके का था शायद, मैं ऐसा मानता हूँ। मॉरल कंपस दुनिया का और था। आज थोड़े ग्रे एरिया ज़्यादा आ गए युवा पीढ़ी में, जो आज की सोच है थोड़ी बदल चुकी है। सोशल मीडिया का जनरेशन है आज, थोड़े से मैं मानता हूँ लोग सेल्फिश हो गए हैं अपनी सोच को लेकर कि जो चाहते हैं वो हासिल करना चाहते हैं। तो कितना बदलना है, जितना सोसाइटी बदली है, जितना माहौल बदला है, उतना ही हमारी राइटिंग बदलती है और किरदार में रंग आते हैं। तो दिस फिल्म इज़ ड्रिवन बाय व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। जब पहली वाली आई थी तो शायद दुनिया कुछ और थी, ये आज की दुनिया और आज के किरदारों को लेकर चलती है। अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, दो लोग हैं, आपके हिसाब से दोनों में से विलन कौन है? अरे मैं बताऊं तो फिर अरे मैं कैसे पता कि तारा या दिशा विलन नहीं है? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आपको सेट पे किसने परेशान किया है? परेशान तो आई थिंक अर्जुन ने ज्यादा किया है क्योंकि हमारी शूटिंग साथ में थी ऑलमोस्ट एवरी डे। हम पहले गोवा में शूटिंग कर रहे थे, फिर बॉम्बे में, और कोविड भी चल रहा था उस समय। तो आई थिंक ऑनेस्टली सबसे ज्यादा अर्जुन मुझे परेशान करता था, आज भी कर रहा है और हमेशा करते रहेगा। बट ऑनेस्टली ही इज बीन द मोस्ट अमेजिंग को एक्टर एंड फ्रेंड। एंड हमारा जो रिलेशनशिप रहा है, वी एक्चुअली डिडंट नो ईच अदर बिफोर द फिल्म, तो 2 साल पहले हम मिले एंड सिंस देन ही इज रियली बीइंग द विलन रियल लाइफ। एब्सोल्युटली। अच्छा आपके हिसाब से दोनों में से विलन कौन है? मैं झगड़े लगा नहीं यार, जो 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 मुझे विलन बुला रही है मैं उसे कैसे माफ कर दूं? तो आज बदला दिया। तो मेरी कहानी की विलन अच्छा तारा ही होगी, क्योंकि अच्छा। ये फिल्म ही ऐसी है कि दोनों विलन्स के बीच में ही प्यार है, तो कहीं ना कहीं यही मेरी विलन है। बट इन ऑल फेयरनेस जितना मैं इसे तंग करता हूँ वो उतना नहीं करती है, बट एटलीस्ट जब मैं तंग करता हूँ शी गिव्स इट बैक। तो अपने अंदर एक फाइटर तो है उसका, और इस विलेन को मुंह तोड़ जवाब जरूर देती है। चाहते थे नागपुर के दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे ताकि वो फिल्म देखने जाए और एक्साइटेड रहे? तुमने इतनी तारीफ कर दिया, तुमने तो बोल ही दिया कि यार शॉर्ट शॉट है ये है, तो तुम ही कर दो तारीफ, तुम ही बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन कपूर है, तारा है, जॉन अब्राहम है, दिशा है, तो प्लीज ये मूवी देखने जाइए और ये मूवी बहुत फाड़ने वाली है। एक विलन, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई विलन तो मौजूद ही है। कब आ रही है सर? कब आए पता हो ना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 29 जुलाई को तो देखते जरूर जाइए। मेहमान यहाँ से तो विदा मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।